बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने सामान वगैरह रखा हुआ है। होम डिलीवरी भी करते हैं आप या नहीं? बाकी गाइस अभी मैं कैफ़े के अंदर आ गया हूँ और अभी आपको मैंने कैफ़े का व्यू दिखा दिया। ये रही पार्किंग, तो अगर आप भी गाड़ी वगैरह लेके आते हो तो यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो। एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और अल्टीमेट रहने वाला है। वो इसलिए रहने वाला है बिकॉज आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ गोपालपुर जू को। और गोपालपुर जू इज़ सिचुएटेड इन गोपालपुर बिल्लिस, जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। सो आज मैं गोपालपुर जू को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, प्लस यहाँ पर जितने भी एनिमल्स वगैरह रखे हुए हैं, प्लस यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, तो उसके बारे में आपको मैं इस ब्लॉग के थ्रू एक्सप्लोर करवाने वाला हूं चीज़ें। तो ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड अल्टीमेट रहने वाला है, प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना किसी देर के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं एक कैफ़े में पहुंच गया हूं, ये है पंजाब मेल कैफ़े। तो अभी ये नया नया कैफ़े खुला हुआ है, तो अभी मैं आपको अंदर का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूं। यहां पे बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया था पिछले कुछ दिनों में, और यहां पे भैया खड़े हैं। भैया आपको कितना दिन हो गया आपको खोले हुए इसको? सर 4 मंथ्स हो गए हैं हमें खोले हुए। 4 मंथ्स हो गए, क्या क्या डिशेज रखी हुई है आपने यहाँ पे? हमारे पास होते हैं फ्रेश होम बेस का पिज़्ज़ा होता है, सैंडविचेस होते हैं और बर्गर्स होते हैं। ओके, आप कहाँ के रहने वाले हो प्रॉपर? सर हम पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब से आपको आइडिया कहाँ से आएगी हिमाचल में इसको खोलते हैं? सर ये आप कह सकते हैं कि ड्रीम था कि अपना एक कैफे खोलना। ओके, मतलब खुद का एक स्टार्टअप करना है। हाँ जी। ओके, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने सामान वगैरह रखा हुआ है। होम डिलीवरी भी करते हैं आप या नहीं? सर यस कर देते हैं होम डिलीवरी। ओके, ये क्या चीज़ है? सर ये ऑलिव्स है, इम्पोर्टेड ऑलिव्स है सारी। ओके, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे इनका फ्रिज वगैरह रखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन के लिए, यहाँ पे अगर आप सेलिब्रेशन करना चाहते हो तो सेलिब्रेशन भी कर सकते हो। बाकी गाइस अभी मैं कैफ़े के अंदर आ गया हूँ, और अभी आपको मैंने कैफ़े का व्यू दिखा दिया। भैया ने आपको बता दिया कि क्या क्या यहाँ पे डिशेज होती है। अगर आपको यहाँ पे विजिट करना है तो आप विजिट कर सकते हो, इनके कॉन्टैक्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी चलो यहाँ पे पहले चाय वगैरह टेस्ट करते हैं। फाइनली अभी मैंने यहाँ पे चाय ऑर्डर कर दी है, और ये जो चाय आप देख सकते हो काफ़ी इसका अच्छा टेस्ट है। और ये जो चाय लग रही है ये कुल्लड़ की चाय की तरह लग रही है, तो टेस्ट काफ़ी एकदम मस्त टेस्ट है इसका। तो चलो अभी चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद चलते हैं चिड़ियाघर की तरफ। किस पे इल्जाम है ऐसी लगन बांधे हुए हूं मैं खड़ा अब वहां, जिस छोर पे था झूठा मेरा हाथों से तेरे हाथ, जिसने फाइनली अभी मैं चिड़ियाघर के अंदर पहुंच गया हूं, और ये रही पार्किंग। तो अगर आप भी गाड़ी वगैरह लेके आते हो तो यहां पे आप पार्किंग कर सकते हो। और सामने रहा टिकट विंडो, तो यहां पे हम टिकट वगैरह लेने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, आप टिकट वगैरह लेते हैं फिर चलते हैं अंदर की तरफ। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एंट्री टिकट रेट्स जो हैं वो अडल्ट के लिए 50 रुपीज़ है, और चिल्ड्रन के लिए 10 रुपीज़, और पार्किंग के आप देख सकते हो 2 व्हीलर के लिए 10 रुपये है, और 4 व्हीलर कार के लिए तो 20 रुपये है, और टेम्पो के लिए 50 रुपये है। बाकी अगर आपके पास कैमरा है तो उसके लिए 15 रुपये हैं, अगर आप वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं तो 25 रुपये हैं। गाइस अभी मैंने टिकट काउंटर से टिकट ले ली है, अब चलते हैं अंदर की तरफ। मैं फर्स्ट लोकेशन के ऊपर आ गया हूं, और यहां पे जितना भी एरिया आप देख रहे होंगे खाली जो एरिया है, यहाँ पर भालू वगैरह रखे जाते हैं। सो अभी गर्मी की वजह से भालू जो है वो अंदर की तरफ जा चुके हैं, तो ये जितना भी एरिया यहाँ पर भालू होते हैं। फासले
गाइस, अभी मैं गेट के अंदर पहुंच गया हूं और अभी मैं अंदर की तरफ जाने वाला हूं। यहां पे है धोलाधार नेचर पार्क का गेट, सो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर मैं आपको एक्सप्लोर करवाने वाला हूं जो भी यहां पे एनिमल्स वगैरह रखे हुए हैं। सो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। सो ऊपर अभी आप देख सकते हो ये रहा धोलाधार नेचर पार्क का गेट और अभी मैं अंदर की तरफ जाने वाला हूँ और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रखा है। चलिए फटाफट से अंदर को एक्सप्लोर करते हैं। पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। गेट के अंदर यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, यहाँ पे एनिमल्स के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लिखे गए हैं, फीडिंग, टीजिंग और नॉइज, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मना है। सो अभी आप सामने का व्यू देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा पार्क है, यहाँ पे जितने भी बच्चे वगैरह आते हैं वो खेल सकते हैं। यहाँ पे झूले भी लगाए गए हैं तो उन झूलों के साथ यहाँ पे मस्ती वगैरह कर सकते हैं। ये आपको मैं फर्स्ट चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा कछुआ रखा हुआ है, सामने आपको दिख रहा होगा छोटा सा। तो यहाँ पे जितना भी एरिया ये कछुए के लिए बनाया गया है, साथ में यहाँ पे पानी भी है, छोटा सा एक पूल बनाया गया है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ जंगली मुर्गे रखे हुए हैं और अभी आपको सामने दिख रहे होंगे, तो सामने देख सकते हो यहाँ पे जंगली मुर्गे। सो अभी सामने देख सकते हो यहाँ पे भूटान ग्रे पीकॉक रखा हुआ है, सामने अभी आप देख रहे होंगे, छोटा सा दिख रहा होगा आपको। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो चेयर फीसेंट रखे हुए हैं, सामने देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आप। और सामने अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोर रखा हुआ है, यानी कि पीकॉक देखा कहाँ है। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ जंगली मुर्गे भी रखे हुए हैं, तो देख सकते हो आप यहाँ का व्यू। नेक्स्ट सेक्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के पक्षी रखे हुए हैं, तो अभी आप देख सकते हो रंग बिरंगे यहाँ पे कुछ पक्षी आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं देखने के लिए। जो पहला सेक्शन था वो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे कुछ जंगली मुर्गे रखे हुए हैं, मोर वगैरह रखे हैं और गिद्ध वगैरह रखे हुए हैं, तो साथ में मैंने आपको एक छोटा सा कछुआ भी दिखा दिया। तो इस सेक्शन में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में जो चीज़ें रखी हुई हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बार्किंग डियर्स दिख रहे होंगे आपको सामने, हिंदी में इनको कक्कड़ बोलते हैं, तो सामने देख रहे होंगे आप। साथ में ये रहा बार्किंग डियर्स का घर, यहाँ पे इनको फीड्स वगैरह डाला जाता है और ये ही जब बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पे छुप जाते हैं। सो अभी आप सामने का व्यू देख सकते हो, यहाँ पे ये जो जानवर आपको दिख रहा होगा ये है तेंदुआ और इसका जो कलर है बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने के लिए। सो अभी आपको मैं नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ, नेक्स्ट जो चीज है वो है इमू। ढूंढ लाए सारी मासूम सी अभी गाइज मैंने आपको कुछ पक्षी वगैरह दिखाए, साथ में मैंने एक लियोपार्ड भी दिखाया और भी मैंने और चीज़ें दिखाई आपको, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ का जू कैसा लगा। मेरे को तो जू काफ़ी अच्छा लगा और हिमाचल का पहला ये जू है और इकलौता ऐसा जू है जो कि हिमाचल में है। बाकी और चीज़ें यहाँ पर हैं तो मैं अभी नेक्स्ट चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर। गाइस अभी मैं नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे हैं कुछ सांबर यहाँ पे रखे हुए हैं, तो अभी आप जितना भी एरिया देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ बंदर भी इनका खाना खा रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दिखने में ये। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। गाइस अभी बारिश लग चुकी है और मैं काफ़ी भीग गया हूँ और अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बड़ा सा लॉइन है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप सामने बैठा हुआ है, आपको मैं क्लियरली दिखा देता हूँ। तो सामने अभी आप देख रहे होंगे बांस के पेड़ के नीचे एक बड़ा लॉइन बैठा हुआ है, तो अभी आपको मैं झूम करके दिखा रहा हूँ,
अभी आपको इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा बारिश की वजह से। सो ये जितना भी एरिया है ये इसी को घूमने के लिए बनाया गया है। ये इल्जाम है आंखें मेरी सपना तेरा सपने सुबह शाम है तू है सही या मैं हूँ सही किस पे ये इल्जाम है ऐसी लगन बांधे हुए हूँ मैं खड़ा वहाँ जिस छोर पे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको गोपालपुर जू का व्यू कैसा लगा। मिलते हैं गाइस और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अल्टीमेट ब्लॉग के साथ, तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।